जब मेला लग जाएगा ना मेला, तब देखना, तब पेड़ वाला व्यक्ति निकलता है तो उसको पेड़ भरने में आसानी हो। आओ सो ही गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल एंड अनदर ब्लॉग। कल हम गए थे और लोग, लेकिन आज मोटा जा रहा है मेरे साथ। अभी हम आप बाइक से जाएंगे क्योंकि कल तो भैया पेरेंट की बहुत आ रहा था, वही थी बेकार, तो लेकिन अब बाइक से चलेंगे अपन। मोटे निकालो अपनी बाइक और चलते हैं अपन वाड़ा मंदिर। आज सेकंड नवरात्रि है ना मोटे। लो गाइस निकल पड़े हम सुबह मॉर्निंग में, एकदम मस्त सनराइज हो चुका है इधर। आज नवरात्रि का सेकंड डिनर है तो नौ दिन तक पब्लिक रोज जाती है पैदल, लेकिन कुछ लोग जाते हैं कुछ लोग जाते हैं, लेकिन आज हम बाइक जा रहे हैं। कल हम थक गए थे ना, बस ये गाइस बाइक से इतनी कैपेसिटी तो बाइक से चलेंगे अपन। काना चलो ब्रदर। तो गाइस हमने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया काना फिर से अगेन, अभी हम कल चलते हैं पनवाड़ा मंदिर। पेड़ भर रहे हैं गाइस, पेड़ भर रहे हैं भक्तजन। और गाइस इधर चेक करो, ये लग रहा है इधर हमारा मेला, गजब। इधर अभी आपको चलेंगे दिखाने के लिए मेले में, मतलब आधी दुकानें तो लगनी स्टार्ट हो चुकी हैं और कुछ दुकान अभी लगेंगी आगे चल के, तो अभी चेक करो ये। सो गाइस मंदिर तो हमने आपको कल दिखा दिया था, लेकिन यहाँ ना अभी आपको दिखाते हैं, कल झूले आए थे ट्रकों में भर भर के, तो अभी आपको दिखाते हैं वो का मेला कैसे क्या लग रहा है। तो यहाँ पर पनवाड़ा मंदिर का, यहाँ पर गाइस इधर चेक करो, ये लग रहा है मेला का पूरा सेटअप, यहाँ पर लगेगा मेला। अभी चार पाँच दिन के बाद मतलब काम स्टार्ट हो जाएगा झूले वगैरह का, तो लगना तो अभी झूले लग जाएंगे। तो फिलहाल गाइस इधर ये मतलब मेला का पूरा इधर ग्राउंड रहेगा, तो भाई बहुत मजा आने वाले जो अपकमिंग व्लॉग आने वाले हैं ना, वो तो बहुत तगड़े तगड़े आने वाले हैं। खैर अभी इधर घूम के आते हैं हम, जहाँ पर ये मेला का ग्राउंड है इसमें चलते हैं। आ जाओ ब्रो, ये चेक करो गाइस, ये चेक करो, ये रखा पूरा झूले का सेटअप। अभी गाइस कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, जब मेला लग जाएगा ना मेला, तब देखना, तब चेक करना तब कैसे दिखाई देता है। चलते हैं अपने घर पे गाइस, अब अभी क्या है यहाँ पर, अब क्या करेंगे, रुक के चलते हैं चले घर पे। आओ अरे भैया, ये रहते तो हमको रास्ते में कुछ लोग बाग मिले, तो मतलब मेरे फ्रेंड ही मिले, तो पता है क्या काम कर रहा है वो, अभी आपको बताएगा वो। तो गाइस जिस किसी को भी सेवा का अवसर चाहिए, माता रानी की सेवा में कोई भी तत्पर होना चाहता है, तो वो आके झाड़ू लगा सकता है। जैसे कि हम देखिए झाड़ू लगा रहे हैं यहाँ पर गाइस, ये चेक करो, ये झाड़ू लगाकर हम क्या साफ सफाई कर रहे हैं। कोई पेड़ वाला व्यक्ति निकलता है तो उसको पेड़ भरने में आसानी हो, कोई तकलीफ ना आए, माता के आशीर्वाद से सब अच्छा कार्य चल रहा है। शानदार भी सेवा करना हो तो ओके ब्रो, लगे रहो इसके लिए, आप तत्पर रहिए। आपको भी अगर सेवा का अवसर चाहिए तो आकर के आप भी सहयोग कर सकती है। शानदार जमाएगी गाइस जी, लगे यहाँ पर देख देखो गाइस जी, चेक करो कितनी श्रद्धा के साथ मतलब माता के उसमें लगे हैं गाइस कार्य में, इनके लिए लाइक करते हैं। सो गाइस जैसे अभी हम घर पहुंचे हैं, और गाइस घर आते ही मैंने देखा ब्लॉग अपलोड किया 12 बजे फिक्स, ठीक है 12 बजे ब्लॉग अपलोड किया, भाई साहब एक घंटा भी नहीं, मतलब 40 मिनट में आपने इतना जो तगड़ा रेस्पॉन्स दिया शॉर्ट ब्लॉग, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और भाई क्या ही मतलब क्या सपोर्ट कर रहे हो आप। और गाइस आपके ब्रदर को, आपके यानी मैं मतलब मुझे एक भाई साहब है केरल के, एक भैया हैं बड़े भाई साहब हैं केरल के, तो उन्होंने बोला कौन सा चैलेंज दिया है, पहले उनकी क्लिप मैं प्ले करने वाला हूँ अपने व्लॉग चैनल में, तो उसको जाके देखो। और आप प्लीज़ कमेंट करना, और कितनी लाइक्स इस पर होनी चाहिए तो आप कमेंट करना, ठीक है। तो ये चैलेंज आपको कंप्लीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आप बताना मेरे को, ठीक है। तो पहले आइए प्ले कर रहा हूँ, तो इसको जाके देखो आप, ठीक है। तो भाई सूरज और रोहित तुम दोनों के लिए चैलेंज है भाई आज, और ये तुम्हें पूरा करके दिखाना है। अगर ना कर पाओ तो कान पकड़ के सॉरी बोल देना वीडियो में, ठीक है। वीडियो होगी, उस वीडियो पे जितने लाइक होंगे जितने भी कमेंट होंगे वही तुम्हारा प्राइस होगा, ये मेरा वादा है, पक्का वादा। अब चैलेंज सुन लो, चैलेंज है आपको जाना है राम मंदिर चौराहे पे, बाल्टी उठा के ले जानी घर से, जिस तरीके से घर पे नहाते हैं ना साबुन वाबुन लगा लुगू की सब कुछ, उसी तरीके से बीच चौराहे पे जाके नहाना है, और नहाते हुए ही नौरा फतेही का ये वाला स्टेप करना है जो मैंने किया था। सो गाइस देख लिया आपने वीडियो, इस व्लॉग में तो नहीं कर पाऊंगा कंप्लीट, लेकिन ना इसके लिए एक अलग सी वीडियो बनाएंगे अपन, जिसमें बस सिर्फ चैलेंज कंप्लीट रहेगा अपना। तो भाई मुझे तो बहुत हार्ड लग रहा है, फर्स्ट टाइम रहेगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको अच्छे से अच्छा करने की,
और गाइस और इसमें बताओ एक लाइन बोली उसने कि ना जितने व्यूअर्स होंगे, जितने कमेंट होंगे और जितने लाइक्स होंगे उतने ही मतलब आप उनको पैसे देंगे, वो मतलब जितनी उतने प्राइस देंगे। अब आपके ऊपर है भैया, करा दो और चैलेंज तो कंप्लीट करूंगा मैं, पूरी कोशिश करूंगा करने की। तो जब वीडियो आएगी तब तो आप प्लीज़ अच्छे से अच्छा प्यार दिखाइए उस वीडियो पे, और फिर देखते हैं क्या प्राइस मिलता है और आपको अच्छे दिखाऊंगा मैं। अभी इसके नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में उस चैलेंज को हम कंप्लीट करेंगे, तो प्यार बनाए रखिए ऐसे अपना, ठीक है गाइज। नाउ गाइज जस्ट अभी ना हम हमारी चैलेंज की वीडियो शूट नहीं करके मतलब अभी ना उसका डिस्कशन करके फ्री हुए हैं। तो भाई इस ब्लॉग को फिलहाल इस एंड करते हैं, और जो आने वाली वीडियो या आने वाला ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है तो उसको जरूर देखिएगा। फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करते हैं। सो या गाइज डेट्स फॉर टुडेज ब्लॉग को ऊपर तक ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो करना मेक श्योर लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय। सो गाइज जस्ट